कैसा कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हूँ सब खैरियत से होंगे आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है कुकपैड ने कुकपैड दुनिया की सबसे बड़ी रेसिपी शेयरिंग कम्युनिटी है और ये सत्तर ममालिक में मौजूद है पाकिस्तान में ये एक साल पहले लॉन्च हुई थी और बेपना तरक्की कर चुकी है कुकपैड पर आपको रियल होम कुक्स की ऑथेंटिक यूनिक और लाजवाब रेसिपीज मिल सकती हैं जैसा कि बहुत से लोगों को मालूम होगा लास्ट ईयर भी कुक पैड का एक कुकिंग कॉन्टेस्ट हुआ था और वो बहुत सक्सेसफुल रहा था तो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी कुकपैड आपके लिए लाया है एक शानदार कुकिंग कॉन्टेस्ट जिसका नाम है रमदान स्पेशल विद हुमा इसमें टॉप टेन विनर्स को कुकपैड की तरफ से शानदार गिफ्ट्स मिलेंगे। तो हो जाए तैयार और आज ही लॉग करें cookpad.com/pk पर रमदान स्पेशल विद हुमा कुकिंग कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करें शेयर करें अपनी बेस्ट रमदान की रेसिपीज़ और याद रखें कि आपने स्टोरी सेक्शन में हैश टैग कुक विद हुमा लाजमी लगाना है ये बहुत ज़रूरी है कॉन्टेस्ट uh, का हिस्सा बनने के लिए तो देर किस बात की है? आज ही लॉग इन करें अपनी ऑथेंटिक और यूनिक रेसिपीज़ को अपलोड कीजिए और जीतें ढेरों इनाम मेरी तरफ़ से सबको गुड लक तो चलें अब किचन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इफ्तार की तैयारी तो सबसे पहले यहाँ पे चाट के लिए फ्रूट्स कट कर लिए थे सिर्फ तीन फलों से चाट बना रहे हैं आजकल तो इसमें है सेब केला और गरमा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छी चाट बन रही है इसकी रेसिपी मैं सिखा चुकी हूँ अब ये जा रही है खट्टी मीठी इमली की चटनी थोड़ी सी चीनी और चाट मसाला क्योंकि इसको फ्रिज में रख देती हूँ मैं ये ठंडी अच्छी लगती है साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चिकन बोनलेस जो है वो बॉयल करने के लिए रखा है चिकन बंस बनाने के लिए इसकी भी रेसिपी मैं सिखा चुकी हूँ हर चीज़ का लिंक मैं लगा दूँगी थोड़ा सा मैंने इसको टाइम सेव करने के लिए आज डिफरेंट तरीके से बनाया है तो ये कि साथ ही यहाँ पे दूध एनर्जी ड्रिंक तैयार करने के लिए दूध बॉयल हो चुका है और बाकी की सारी चीज़ें पाउडर्ड मिल्क मेवे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर वो सब जो है वो फिर स्टेप बाय स्टेप इसमें मैं ऐड करूँगी इसे पकाऊँगी और फिर इसको भी जल्दी ही जो है वो फ़्रिज में रखना होता है क्योंकि ये ठंडा होने में थोड़ा टाइम लेता है इफ्तारी के लिए एक टिप ये है कि अगर आप सीक्वेंस पे चलें आप वर्किंग कर लेंगे क्या चीज़ पहले बननी है जैसे जो चिकन बन है उसका डो जो है वो पहले रेडी होना है ऐसा नहीं कि आप बाद में क्योंकि उसको टाइम चाहिए तो जितनी देर डो राइज हो मीनवाइल आप चिकन उसकी फिलिंग प्रिपेयर कर लें तो इस तरह से अगर आप थोड़ा कैलकुलेट करके चलें तो इफ्तारी जो है वो ज़्यादा चीज़ें कम टाइम में अच्छी तैयार हो जाती हैं चिकन बंस की जो एक्चुअल रेसिपी है उससे मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है तो ये कि बॉयल्ड चिकन में ही फिर मैं तंदूरी मसाला और कुछ सब्जियां और मोजरेला चीज़ जो है वो ऐड कर दूँगी अब यहाँ पर मैं आलू के पकौड़े जो है उसका बैटर तैयार कर रही हूँ और ये तो इतना इजी होता है मैं नॉर्मली ज़्यादा बना के फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी रेसिपी तो अभी रिसेंटली अपलोड की है मैंने आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अब नेक्स्ट ये है कि मैं चिकन बंस के लिए डो तैयार कर रही हूँ मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ करती हूँ बहुत सहूलत हो जाती है आपका टाइम भी सेव होता है और बहुत मैस भी नहीं होता और बहुत अच्छा इसमें आटा जो है वो गूंज जाता है तो दो कप मैदा जो है उसके साथ ये तैयार कर लिया है और मैं आजकल शहरी के लिए भी जो आटा गूँधना होता है वो इसी में गूँ रही हूँ इसको बस अब मैं थोड़ा सा गूंद के कवर करके रख दूंगी जब ये राइज़ हो जाएगा फिर इससे बंस तैयार करेंगे अब जब तक डो राइज हो रहा है तो यहाँ पर मैं दही बड़े स्टार्ट कर रही हूँ ये तो बहुत जल्दी बन जाते हैं और हम सबके फेवरेट भी हैं तो एक कप बेसन के साथ ही जो है वो माशाल्लाह बहुत सारे तैयार हो जाते हैं और इसकी रेसिपी भी अपलोड हो चुकी है ज़रूर वॉच करें और ट्राई करें तो ये आप देखें कितने खूबसूरत ये फ्राई हो चुके हैं तो तमाम फ्राई करने के बाद इसको फिर मैं पानी में सोक कर दूंगी 10 से 15 मिनट और ये तो बहुत जल्दी बन जाते हैं तो यहाँ पे ये बस फिलिंग भी तैयार है बहुत ही क्विक और मज़े की और ये बंस का तो जिन लोगों ने ट्राई किया है उनको पता ही होगा कि इसमें आप बहुत चेंजेस कर सकते हैं फिलिंग अपनी मर्जी की डालें जो पसंद है और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और बाकी की भी जो इसकी चीज़ें वो मैंने रेडी कर ली हैं एग रेडी है चीज़ ग्रेट की हुई है और सेसमे सीड्स कलांजी वगैरह एवरीथिंग इज रेडी और अब यहाँ पे नेक्स्ट uh, मैं दही बड़े के लिए जो है इनको टिप कर रही हूँ जस्ट फॉर टेन टू फिफ्टीन मिनट्स और फिर ये तो तैयार हो जाएंगे और बस यहाँ पे ये स्लाइसर को यूज़ करते हुए आलू को स्लाइस कर रही हूँ और फिर इसको मैं पेपर टॉवल पर आ, सेट कर दूंगी थोड़ी देर इससे ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं क्योंकि इसके अंदर जितना भी लिक्विड है वो टिश्यू एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और ये कि अगर आप वीडियो वॉच करेंगे तो आपको सारी टिप्स मिल जाएंगी सो यहाँ पे दही बड़े ऑलमोस्ट रेडी हैं ये इसका मीठा दही जो है मैंने इसमें मिल्क मिला के थोड़ी सी चीनी और नमक वगैरह तो अब मैं इसके ऊपर पोर कर रही हूँ क्योंकि ये भी फ्रिज में जाएंगे आ, क्योंकि ये भी ठंडे ही अच्छे लगते हैं अच्छा मैं चाट मसाला तो इसके ऊपर बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो मैं पहले से ही पूरी डिश के ऊपर स्प्रिंकल नहीं करती वो इसलिए कि मुझे ये होता है कि जिसने जितना डालना है तो उतना डाले और पूरी डिश जो है वो ख़राब ना हो अब जैसे बच्चे हैं वो कम खाते हैं मैं भी तो इसलिए सो बस यहाँ पे चिकन बंस भी रेडी हैं इनको फोल्ड करके मैं डिश में सेट कर दूंगी और इनको फिर मैं अवतार से थोड़ी देर पहले ही जो है वो बेक करूंगी। इनके ऊपर मैंने वॉश लगा दिए थोड़े सेसमी सीड्स और अनियन सीड्स और ये रेडी है बेक करने के लिए और इसको मैं तकरीबन बीस से पच्चीस मिनट बेक करूँगी थ्री डिग्री फेरन हाइट अब ये देखें मैंने इसको थ्री पे ऑलरेडी लगाया हुआ था ऑन किया हुआ था बस यह अब हो जाएगा अब बाकी की चीज़ें जो हैं वो मैं रेडी करूँगी और मैंने ये पिज़्ज़ा डो बना लिया। छोटा कैलन स्मॉल पिज़्ज़ा तैयार हो गया पिज़्ज़ा सॉस है। उसके ऊपर सिर्फ चीज़ और थोड़े से औरग्नल लीव्स और अब ये जा रहा है अवन में फॉर अनाया क्योंकि उसको इसके ऊपर और कुछ भी नहीं पसंद देर यू गो ये देखिए बंस कितने ख़ूबसूरत जो हैं वो बेक हो रहे हैं तो अब मैं यहाँ पे टेन मिनट का लगा रही हूँ टाइमर एक्चुअली एट मिनट क्योंकि पिज्ज़ा सेवन मिनट क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो जल्दी बेक हो जाएगा और तीन चीज़ें जो पहले प्रिपेयर कर ली थी फ्रूट चाट दही भरे और वो जो दूध का शरबत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रिज में रखा हुआ है ये देखिए दही भड़े ये वो शरबत दूध का और ये फ्रूट चाट तो बस फिर ये के अवतार से थोड़ी देर पहले फिर मैं इसको निकालूँगी और रमज़ान के हवाले से मैंने पहले ही जो है वो कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवा ली थी तो थोड़ी सी सजावट की है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ और ये टेबल सेटिंग और टेबल सेटिंग बहुत सिंपल है ये गोल्डन चार्जर प्लेट्स ये घर का सिंपल जो डिनर सेट और इसको बस इस पर ये नैपकिन और एक एक स्पून तो ये सिंपल सा रमज़ान के हवाले से जो है वो टेबल का सेटअप लगाया हुआ है और लाइट्स मैं आपको दिखा देती हूँ ये फेरी लाइट्स हैं और ये मुझे गिफ्ट मिला था ये यहाँ पे लगा दिया मोन क्योंकि वो रमज़ान के हवाले से यहाँ बेस्ट जाता है और और ये एक यहाँ पे मैंने छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है ये रेल क़ुरान के लिए ये मक्का से ख़रीदा था तो अब इस पर वो पड़ती तो नहीं लेकिन ये एक यादगार है तो इसको यहीं रखा हुआ है अब अनाया जो है ना वो इससे वो इस पर पड़ती है और ये एक रमदान मुबारक का ये किरतने बनाया था तो इसलिए फिर मैंने कोई पेंटिंग बाय नहीं की फ्लोर का ये देखें ये जब हमने घर नया बाय किया था ये वाला तो ये गिफ्ट मिला था और ये एक लाल टैन और एक ये तो बस छोटी छोटी ये चीज़ें रख दी थी क्योंकि फेरी लाइट्स के साथ अच्छी लगती हैं क्योंकि फिर शाम की चाय यानी मगरिब की नमाज के बाद रोज़े के बाद वो यहाँ बैठकर पीना फिर अच्छा लगता है चलें अब इसको देख लेते हैं दे आर ऑलमोस्ट डन बहुत अच्छा कलर आ गया है लेकिन दो मिनट में इसको और दूंगी। और एक्चुअली मैं इसकी साइड चेंज करूँगी ताकि पीछे जो बंस है वो भी एक जैसा इवन कलर आ जाए तो ये देखिए पिज्ज़ा बेक हो चुका है बहुत ही परफेक्ट और डो इसकी बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है क्योंकि चिकन बंस वाली डो जो है वो यूज़ की है इसमें पाउडर्ड मिल्क था अनह की तो ईद हो गई है तो इसको अब मैं डायरेक्ट टेबल पे रख रही हूँ फिर बंस निकालती हूँ लास्ट में मैंने फ़्राई करने आलू के चिप्स एवरीथिंग इज़ रेडी अल्हम्दुलिल्लाह और फिर करेंगे इफ्तार बंस भी रेडी हो चुके हैं तो अब मैं इसको भी निकाल रही हूँ तो ये देखिए बंस जो हैं वो तैयार हो चुके हैं इंतहाई खूबसूरत परफेक्टली बेक्ड और बहुत गर्म है तो बस अब मैं इसको डिश में निकाल दूँगी और बाकी भी चीज़ें टेबल पर लेके जाऊंगी जाऊँगी और फिर आपको दिखाती हूँ सो दिस इज़ रेडी अब हर चीज़ जो है वो मैं टेबल पर लेके जाऊंगी जाऊँगी अच्छा ये आलू के पकौड़े हैं ऑलमोस्ट रेडी हैं बस इसको फ्राई करना है और यहाँ पर निकालना है और तो अल्हम्दुलिल्लाह ला अवतार की जो है चीज़ें सारी तैयार हैं और रोज़ा खुलने में सिर्फ दस मिनट रह गए हैं तो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ चिकन बंस दही भरे पिज़्ज़ा फ्रूट चाट आलू के पकौड़े और वो एनर्जी ड्रिंक दूध वाला तमाम रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी लिंक भी मैं लगा दूँगी सो अलहमदिल्ला अवतार कि ये रूटीन थी और ये चीज़ें हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अवतार की रूटीन पसंद आए तो बस अब आ, हम लोग रोज़ा खोलते हैं क्योंकि थोड़ा ही वक्त रह गया है अरे आप लोग अभी इधर ही हैं ओके okay. तो खैर ये थी आज की इफ्तार की रूटीन आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी इफ्तार की रूटीन कैसी लगी और ये जो थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेट किया इसके बारे में भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रमदान के हवाले से जो डेकोरेशन है वो सो so, अलहमदिल्ला तमाम चीज़ें हो चुकी है इफ्तार कर लिया नमाज़ पढ़ ली कुछ फ़ोन कॉल्स थी वो कर ली और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ नेक्स्ट रेसिपी के लिए आजकल कल चूँकि रोज़े हैं तो या तो मैं इफ्तार के बाद रेसिपी शूट करती हूँ और अगर डे टाइम हो तो फिर रोज़े के साथ लेकिन फिर बहुत लेंदी और टफ़ रेसिपी तो नहीं कर पाती क्योंकि रोज़ा होता है और बस यहाँ पे चाय रेडी है शाम की अब बस चाय पियेंगे थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर शहरी की तैयारी तो आज के लिए बस इतना ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिए मुझे दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़